हेलो एवरीवन, अमित आर्ट्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाना सीखेंगे। इस पेंटिंग को सीखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए और इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तभी आप आसानी से यह पेंटिंग बनाना सीख पाएंगे। यह एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सुंदर सी पेंटिंग को बनाना। इस सुंदर सी पेंटिंग को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी ड्राइंग शीट पर ग्रे कलर से बैकग्राउंड तैयार करेंगे। इसमें हमें दो तरह बैकग्राउंड तैयार करना है। इसमें हम ऊपर की तरफ डार्क ग्रे कलर का यूज करेंगे और नीचे की तरफ हम करेंगे लाइट ग्रे कलर का यूज। तो चलिए सबसे पहले हम अपना कलर प्लेट में अपना ग्रे कलर तैयार करते हैं। इस कलर को तैयार करने के लिए मैं ब्लैक कलर का और वाइट कलर का प्रयोग करूंगा। इसमें हम डार्क ग्रे करने के लिए ब्लैक कलर की अमाउंट ज़्यादा रखेंगे, मीन्स इसमें हम ब्लैक कलर ज़्यादा रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने बैकग्राउंड के कुछ पार्ट आधे से ज़्यादा पार्ट में डार्क कलर रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का ज़्यादा प्रयोग करूँगा। अब इसमें मैं वाइट कलर मिक्स करूंगा ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए, मीन्स थोड़ा लाइट कलर हो जाए। देखिए ये हमारा ग्रे कलर तैयार हो गया है। इस डार्क कलर को हम इसमें ऊपर की तरफ यानी कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है पेंटिंग का उसमें फिल करेंगे और नीचे वाले पार्ट में हम इसमें लाइट ग्रे कलर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं इस पार्ट को डिवाइड कर लेता हूँ पेंसिल की सहायता से, जितना पार्ट हमें डार्क करना हो जितने पार्ट में हमें लाइट कलर करना है। तो मैंने एक रफ ड्राइंग बना ली है, इतने पार्ट में हमें डार्क करना है और इसमें लाइट करना है। इस ऊपर वाले पार्ट में हम डार्क कलर फिल करेंगे और नीचे वाले में यहाँ पर हम लाइट कलर फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कलरिंग। आप चाहें तो इसमें कहीं कहीं पर लाइट या डार्क कलर दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट एरिया डार्क ही करें। हेलो, मैं इसमें ब्लैक कलर की सहायता से कहीं पर थोड़ा ज्यादा दाग दिखा देता हूँ और कहीं पर ये लाइट रहेगा, इससे हमारे पेंटिंग में और भी अच्छा इफेक्ट आएगा, अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनेगा बैकग्राउंड में।
आप चाहें तो एक कलर यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक कलर रख सकते हैं यहाँ पर, और चाहें तो आप भी इसी तरह से इसमें टेक्सचर बना सकते हैं। ये टेक्सचर बहुत ही अच्छा इसमें इफेक्ट देगा। लेकिन ब्लैक कलर को फिल करते हुए आपको एक ध्यान रखना है कि ब्लैक कलर ज़्यादा यूज नहीं करना है, वरना ये बहुत ही डार्क हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा डल लगेगा ये। अभी हम नीचे वाले पार्ट में कलर फिल करेंगे, यहाँ पर भी हम ग्रे कलर फिल करेंगे, लेकिन इसको हम इसके अकॉर्डिंग लाइट रखेंगे। तो इसको लाइट करने के लिए जो हमने पहले कलर बनाया था, मैं उसी कलर में कुछ वाइट कलर ऐड कर दूंगा, जिससे हमारा कलर हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। देखिए मैं वाइट कलर का प्रयोग कर रहा हूँ इसमें, तो इसको लाइट करने के लिए इसको हमें थोड़ा सा हल्का और करना होगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ। लेकिन हमने इसको ज़्यादा वाइट भी नहीं, सॉरी लाइट भी नहीं करना है, ग्रे शेडो में हमने इसको रखना है। अब ये बिल्कुल सही कलर हो गया है। चलिए फिल करते हैं अपना ये कलर। हमने इस कलर को करने के लिए जो पहले हमने बैकग्राउंड किया है उसको दबाते हुए करना है, मीन्स अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत कलर चला जाता है तो नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए, ये और भी अच्छा इफेक्ट देगा। और इसमें आपने ब्रश को सीधा नहीं चलाना है, टेढ़ा मेढ़ा ब्रश आपने यूज़ करना है। आप इस ब्रश को किसी भी तरह से चला सकते हैं ताकि एक अच्छा सा टेक्स्चर इसमें बन जाए। इसके लिए भी आप कहीं पर लाइट कहीं डार्क कलर का प्रयोग कर सकते हैं टेक्सचर को अच्छे से दिखाने के लिए। अब मैं इसमें कहीं कहीं पर हल्का डार्क कलर यूज करूँगा, उसके लिए हम अपने ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, लेकिन ब्लैक कलर हमें यहाँ पर बिल्कुल ही कम रखना है, ज़्यादा ब्लैक कलर यूज नहीं करना है, वरना ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आपको ये ऐसा लग रहा होगा जैसे एक माउंटेन है, तो हमें ये माउंटेन की तरह ही बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ के साथ में अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करें ताकि और भी इस पेंटिंग को बनाना सीख सकें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह पेंटिंग आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक बहुत ही सुंदर टेक्सचर बन गया है, देखिए। अभी हम इसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर अपना एक फ्लावर पॉट बनाएंगे। मैं इसको आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूँ।
हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है, ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने फ्लावर पॉट की ड्राइंग बनाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, जिससे आप आसानी से ये सुंदर पेंटिंग बना पाएंगे। आप चाहें तो ये ड्राइंग अपने ड्राइंग चित्र में बैकग्राउंड से पहले भी कर बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो इफेक्ट हमें चाहिए वो उसमें आएगा नहीं, क्योंकि हमें इसमें रिफ्लेक्शन दिखाना है बैकग्राउंड का, तो इसलिए मैं इसको बाद में बना रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक फ्लावर पॉट बन गया है। अब हम इसमें एक फ्लावर बनाएंगे, पहले हम उसकी पेंसिल ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, बहुत ही आसान पेंटिंग है। इस पेंटिंग को सीखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, और अगर पेंटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताइए कि यह पेंटिंग आपको कैसी लगी। अब हम एक इसमें फ्लावर की ड्राइंग बनाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावर है और बहुत ही आसान है बनाने में। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस जो हमने फ्लावर पॉट बनाया है इसके नज़दीक यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। अगर आपके पास कोई दूसरे तरह का आइडिया है फ्लावर बनाने का तो आप वो भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो फ्लावर बना रहा हूँ वही फ्लावर आप इसमें बनाएं। हमारे फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ब्रांच बनाएंगे। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से ब्रांच बना रहा हूँ इसमें, तो कोशिश कीजिए आप भी वैसे ही बनाएं। अब मैं यहाँ पर एक ओवल शेप ड्रॉ करूंगा। हमें यहाँ पर एक ओवल शेप ड्रॉ करनी है। हमने इस ब्रांच को यहाँ पर नहीं मिलाना है, यहाँ पर ओवल शेप के लगभग बीच में हमने इसको रखना है, लेकिन उसके बाद जब हम इसको नीचे की तरफ दिखाएंगे तो इसको थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे और ओवल शेप के साथ मिला करके हम इस ब्रांच को नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। थोड़ा सा इसको राउंड रखेंगे नीचे से, नीचे तक हम इसको मिलाएंगे बिल्कुल ही।
इस तरह से, और इस तरह से हमारी फ्लावर पॉट की पेंटिंग फ्लावर के साथ ड्राइंग रफ स्केच तैयार हो गया है। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। इसमें कलर करने के लिए हमने जो कलर सिलेक्ट किए हैं वो है हमारा ब्लू कलर, वाइट कलर और येलो कलर। हम इन तीन कलर्स की सहायता से हम अपने इस फ्लावर में और फ्लावर पॉट में कलर करेंगे। आप एक बार इसका क्लोजअप देख लीजिए। चलिए अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए सबसे पहले हम डार्क ब्लू कलर का यूज करेंगे, और डार्क ब्लू कलर हम फ्लावर पॉट के नीचे वाले पार्ट में करेंगे जहाँ पर हमने ओवल बनाया है। इसके सिर्फ नीचे वाले पार्ट में हमें डार्क ब्लू करना है और इस ओवल के बीच में हमने डार्क ब्लू करना है। फ्लावर पॉट में हम बीच में कहीं भी कोई कलर नहीं करेंगे, हल्का सा कलर दिखाना है हमें अपने फ्लावर पॉट के ऊपर वाले पार्ट में। इसमें हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे तो हमें इसमें ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी मिक्स करेंगे तो हमारा जो नीचे ग्रे कलर है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट कलर यूज करना होगा। अगर आप पानी यूज करना चाहते हैं तो कम मात्रा में यूज करें। यहाँ पर मैं डार्क ब्लू कलर के साथ वाइट कलर को मिक्स करके इसमें फिल करूँगा। पहले मैं इसमें डायरेक्ट ब्लू कलर कर रहा हूँ। बाउंड्री के साथ मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कलर का यूज करूँगा। ध्यान रखिए हमें इसमें पानी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। हम इसमें ओवल के साथ में से डार्क कलर फिल करेंगे। और जो आउटर बाउंड्री है उसमें कहीं डार्क और कहीं पर लाइट कलर हमें रखना है। अब मैं इसमें वाइट कलर मिक्स करके इसको मिक्स करूंगा, इसमें वाइट कलर, जिससे इसमें और भी अच्छी शाइनिंग आ जाए। इस तरह से आप भी मिक्स कर सकते हैं वाइट कलर के साथ, सॉरी ब्लू कलर के साथ वाइट कलर मिक्स कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वाइट कलर और ब्लू कलर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ताकि ये अलग न दिखाई दें, ऐसा ना लगे कि ये अलग से इसमें कलर डाल रखा है कोई। आप रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए इसमें कहीं पर बिल्कुल लाइट कलर कर सकते हैं और कहीं पर इसमें आप डार्क कलर कर सकते हैं। इस इज योर चॉइस कि आप कहाँ पर इसमें बिल्कुल लाइट कलर दिखाएंगे और कहाँ पर आप बिल्कुल डार्क कलर दिखाएंगे। Oh my gosh! No way! हल्के हाथ के साथ आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। अगर जरूरत हो तो आप डार्क ब्लू कलर या फिर वाइट कलर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें।
लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में यूज करना है। मैं यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हमें लाइट रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस शेप में हमारा फ्लावर पॉट है हमें लाइट रिफ्लेक्शन उसी शेप में दिखाना होगा, तभी लगा करके इसका अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। जो हमारा फ्लावर पॉट है उसके बाउंड्रीज पर भी मैं रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ वाइट कलर से। इस काम के लिए आप अपने छोटे ब्रश यानी कि 0 नंबर ब्रश का यूज करें, प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वाइट कलर को मिक्स करने के लिए मैंने ब्रश को ड्राई ब्रश का यूज़ किया है, आप भी ऐसा ही करें। लेकिन इसका प्रयोग तब करें जब आपका ये कलर हल्का हल्का ड्राई हो चुका हो, मीन्स पूरी तरह से गीला ना हो, वेट ना हो, तब आप इसको यूज करें। अदरवाइज आपका ये कलर दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा और यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की शेडो आएगी, जबकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा वाइटनेस दिखानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई ब्रश का प्रयोग किया है, आप भी ऐसा ही करें। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट में कलर करेंगे, मीन्स जो हमारा ओवल है इसमें हम कलर करेंगे, लेकिन इसमें कलर करने के लिए हम ज़्यादा ब्लू कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें व्हाइट कलर के साथ मिक्स करके ब्लू कलर का प्रयोग करना है, तो डायरेक्ट मैं पहले यहाँ पर डार्क ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, ट्राई कीजिए इस आप भी ऐसा ही करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर भी हमें पानी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप हल्का पानी यूज़ करें और
मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पानी आप यूज न करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। सिर्फ कलर की सहायता से ही आप ये करने की कोशिश करें। अब हम इसमें वाइट कलर से मिक्स करेंगे। वाइट कलर के साथ हम इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाएंगे और ब्लू कलर के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर भी हमें पानी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से हमें ये करना है। हम इस एरिया में कहीं कहीं पर डार्क कलर से शैडो दिखाएंगे। डार्क ब्लू कलर का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और इसके काम के लिए भी आप 0 नंबर बस का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें यहाँ पर इस पार्ट को अलग करने के लिए व्हाइट कलर से आउटलाइन करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे ये आउटलाइन स्ट्रेट ना हो, मीन्स सीधी ना हो बिल्कुल। और हमने इसको पूरा नहीं मिलाना है दोनों तरफ से, एक तरफ से हमने इसको छोड़ देना है। अब हम ऊपर वाले पार्ट में कलर करेंगे और इस पार्ट में कलर करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन करूँगा और कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। वाइट कलर के साथ मैं इसकी सिर्फ आउटलाइन करूँगा यहाँ पर और थोड़ा सा कलर हम इसके अंदर फिल करेंगे ताकि ये ग्लास कब रिफ्लेक्शन दे हमें। अब मैं यहाँ पर ड्राई ब्रश के साथ से इसको नीचे की तरफ फैला दूंगा। लेकिन ये हमें सब जगह नहीं करना है, सिर्फ एक साइड में हमें इसको दिखाना है। और इसमें हल्के से अगर ब्लूनेस आती है तो और भी ज़्यादा बेटर है।
हम इसमें अंदर की साइड में कहीं कहीं फ्री सेक्शन दिखाएंगे वाइट कलर से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नेक में एक ओवल बनाना होगा। इस तरह से, और इसके साथ में से हमें व्हाइट कलर से रिफ्लेक्शन दिखाना है। इस तरह से हमने इसमें रिफ्लेक्शन दिखाना है। अब हम अपने फ्लावर में कलर करेंगे। फ्लावर में भी हम ब्लू कलर करेंगे। इसमें भी हमने पॉट की तरह ही करना है, डार्क ब्लू कलर रखना है। पहले मैं सब जगह पे डार्क ब्लू कलर का प्रयोग करूंगा, उसके बाद हम इसमें व्हाइट कलर से शैडो दिखाएंगे, मीन्स रिफ्लेक्शन दिखाएंगे लाइट का। चलिए जल्दी से एक बार मैं इसको, येलो कलर फिल करने के लिए भी हम डार्क कलर का यूज करेंगे। इसमें वाटर मिक्स नहीं करेंगे, ना ही दूसरा कोई कलर मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर येलो कलर की बाउंड्रीज के साथ में ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ। जो हमारे फ्लावर के ब्रांच है इसमें हम सिर्फ ब्लैक कलर फिल करेंगे, दूसरा कोई कलर हमें यहाँ पर फिल नहीं करना है। इस तरह से ये हमारी सुंदर पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमें नीचे की तरफ पेंसिल के साथ थोड़ी सी शैडो दिखानी है फ्लावर पॉट की। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस साइड से शैडो दिखाएंगे। यहाँ पर मैं ब्लू और वाइट कलर के मिक्सचर से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। जो हमारा वाटर है ब्लू, इसमें
इसके रिफ्लेक्शन से हम इसमें हल्की सी शैडो दिखाएंगे। अगर आप एक कलर से कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज फिर आप पेंसिल के साथ से इसके शैडो दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये पेंटिंग, एक सुंदर पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए ये हमारी सुंदर पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल से नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक।